ओम शांति। हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने की कला स्वयं परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में खुश रहने की? सभी चाहते हैं, लेकिन खुश ना रहने के कारण क्या है? हम खुश इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं। तो उन तकलीफ से उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम अपने आप को जो आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा समझना अर्थात इस देह से न्यारा होना। और जितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम इस देह से न्यारा होते चले जाते हैं। भगवान हमें जिस प्रकार से ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, एक शब्द तो वो कहते हैं, जैसे गीता का सार है, जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। ये बात तो सही है, लेकिन हर समय हम इस शब्द को हम लागू कैसे करें? एक बार की बात है, एक संत जी सभी का समस्या समाधान कर रहे थे। जो भी व्यक्ति आता था वो पूछते थे कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, मैं कैसे ठीक हो जाऊं? तो संत उनको बहुत सारी बातें बताते थे और समस्या का समाधान करवाते थे। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति आया और आकर बोलता है, गुरुजी, जीवन में खुश रहने का राज क्या है? मैं बहुत परेशान हूं अपने जीवन में। तो संत जी उन्हें बोलते हैं, अच्छा तुम मेरे साथ चलो। बोला, कहां चलना है? जंगल की तरफ चलो। तो संत जी उनको जंगल की तरफ लेकर चल देते हैं। जैसे ही जंगल में चलने लगते हैं, रास्ते में एक पत्थर दिखता है। संत जी उसको उठाते हैं और कहते हैं, तुम ये पकड़ो। संत जी की आज्ञा है, तो व्यक्ति ने उस पत्थर को पकड़ लिया। लेकिन एक मिनट हुआ था, उसके हाथ बहुत भारी होने लगा, उसको दर्द होने लगा। अब उसने, संत जी ने कहा है तो सहन किया, थोड़ा और आगे चल पड़ा। अभी 10 मिनट हो गया और ज्यादा दर्द होने लगा। अभी भी वो संत जी को कुछ कह नहीं रहते, शायद वो सोच रहा था कि संत जी उसको कहें और वो उतार दें। अभी भी वो चलता जा रहा था। ऐसे ही आधा घंटा हो गया, अब सहन नहीं हुआ। उसने संत जी को कहना शुरू कर दिया, संत जी बहुत दर्द हो रहा, अब मैं क्या करूं, ये पत्थर मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। संत जी ने कहा, थोड़ा और पकड़ लो। तो और 5 मिनट हुआ था, असहनीय दर्द होने लगा। अब संत जी ने कहा, तुम यहां रख दो पत्थर को। जैसे ही वो पत्थर को रख देता है तो उसको बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत हल्का महसूस होता है। संत जी ने कहा, खुश रहने का राज ये है। हमारे जीवन में जितने व्यर्थ हैं, जितने बोझा हैं, जितने दुख हैं, जितने जिम्मेवारियों को हम समझते हैं मैं कर रहा हूं, ये सारी जो मैंपन है, ये मैंपन का पत्थर जब तक आप लेके चलोगे तो आपको दर्द होगा। हमारे जीवन में हम खुश इसलिए नहीं रह पाते हैं, ये जो मेरा मेरा समझते हैं, वस्तु वैभव व्यक्ति को, इसलिए दुख होता है। जिसको हमने अपना समझा वो शरीर छोड़ के चला गया, आज हम रोने लगते हैं, दुखी हो रही। अरे वो एक दिन आया था, एक दिन गया। अभी हमें खुश रहने के लिए महामंत्र प्रभु ने दे दिया है, अपने आप को आत्मा समझो। और हर आत्मा अपना वस्त्र अपना ड्रेस लेके पाठ हो जा रहा है। सबका अपना अपना कर्म है और कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है। लेकिन किसी को अगर दुख मिलता है, वहां हम दया प्रेम मुझ आत्मा का जो सद्गुण है उसे मैं प्रयोग करूं, उसको खुशी दूं, ना कि दुख दूं, वो भी साक्षीपन के भाव से। और जितने हमारे मन में व्यर्थ हैं, मैंपन है, उसको त्याग दें। उसी पल से हमारी जिंदगी में ऐसी खुशी आएगी जो आप सोच नहीं सकते। बेफिकर बादशाह, आप देखेंगे एक फकीरा रास्ते में चलता है, आगे के खाना मिलेगा या नहीं, नहीं सोचता है। बेफिकर बादशाह होकर चलता है। आज अगर एक चिट्ठी है तो उसको पेट भरने के लिए भी प्रकृति ने दी है। हाँ, कुछ कर्म बस हमारे जीवन में ये सारी बातें हो सकती है, तकलीफ आ सकती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल मिलता है। और अच्छा सोचे, नेगेटिव व्यर्थ को त्याग दें, मेरापन को त्याग दें, तो हम जीवन में सदा के लिए
खुश रह सकते हैं। और जो गीता का सार है, जो कृष्ण ने कहा है और जो भगवान अभी कहते हैं, सचमुच हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उस बात को समझे गहराई से। उस समय हमें लगेगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आने वाले बीते हुए पल आपको शिक्षा दे जाता है और ये कहता है सचमुच आपकी जिंदगी में जो हुआ था अच्छा हुआ है। हम एक पल नजर फिरा के देखें पीछे की तरफ, जो भी हमारे जीवन में हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा ही है। हो सकता है कोई बीते हुए बातें हमें दर्द महसूस कराता हो, लेकिन उसकी गहराई में देखेंगे कि ये होता तो हमें और तकलीफ होती, ये हुआ इसलिए और अच्छा है। तो जीवन का यही रहस्य है खुश रहने का, अपने मैपन को त्यागे, और सबसे बड़ी बात जो है अपने अहंकार अभिमान को त्यागे, क्योंकि अहंकार और अभिमान के कारण ही जीवन में सारे दुख के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये दोनों चीज, वो कहते हैं ना, जितना झुकोगे उतना सुख पाओगे। जैसे फलदार वृक्ष होता है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को, मन को सादगी से, सद्गुणों से भरे, सुखमय जीवन बन जाएगा। तो जीवन का यही रहस्य है खुश रहने का कि हम अपने मैपन को त्याग दें, तो सचमुच हम जीवन भर में पल पल खुश रह सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।